नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको इस फोर्ड फिगो एस्पायर का फ्रंट फेंडर का एक्सटेंशन ब्लैक वाला जो नीचे रहता है वो देखिए, आप कैसे मेरा रैंप कॉल लग रहा है वो, तो ये एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रंट फेंडर का एक्सटेंशन बहुत ही नीचे रहता है, इसी वजह से ये स्पीड ब्रेकर या कुछ भी थोड़ी बड़ी चीज़ है तो पटक से लग जाता है। तो अभी मुझे गाड़ी रैंप के ऊपर निकालनी है, इसीलिए मुझे एक्सटेंशन निकालना पड़ रहा है। तो इस एक्सटेंशन को इस नीचे के साइड में प्लास्टिक के क्लिप्स रहते हैं वो सब पहले हम लोग निकालेंगे। तो इधर कार के नीचे कुछ कारपेट या कुछ भी डालिए, क्योंकि आपको बहुत ही नीचे जाना है, आपको ऑलमोस्ट इधर सो जाना है एड के नीचे। इसीलिए अगर आपके पास कारपेट है तो कारपेट डालिए, नहीं तो आप जैसे मैंने किया है वो कार के अंदर के मैट्स जो है वो ला के इधर नीचे डाले हैं। तो अब मैं निकालूंगा मेरा पहला क्लिप। तो ऐसे एक क्लिप रिमूवर लेके आपको एक क्लिप में घुसाना है और बाद में एक क्लिप खींचना है। इधर देखिए मैंने कैसे एक क्लिप घुमाया है और इधर मेरा कैमरा हिल गया है, लेकिन मेरा क्लिप बाहर आ गया। फिर इधर आप देख सकते हैं एक क्लिप मेरा बाहर आ गया है। अब मैं निकालूंगा मेरे बाकी के सब क्लिप्स। तो ये निकल गया मेरा दूसरा क्लिप। अब मैं निकालूंगा मेरा तीसरा क्लिप। ये निकल गया मेरा तीसरा। तो तीन क्लिप्स मेरे निकालने के बाद आप देख सकते हैं एक साइड है मेरा एक्सटेंशन जो है बाहर निकल गया है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा मेरे बाकी के क्लिप्स निकालने के लिए। तो इधर बीच में एक क्लिप रहता है वो आपको निकालना है। तो ये निकल गया मेरा बीच का क्लिप। तो ऐसे करके आपको ये सब क्लिप्स निकालने हैं, और ये सब क्लिप्स निकालने के बाद आपका ये एक्सटेंशन जो है वो सीधा बाहर आएगा। तो इधर मेरे सब क्लिप्स निकाल के हो गए हैं और इधर आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट फेंडर का एक्सटेंशन पूरा बाहर निकल गया है। और ये है वो क्लिप्स जो मैंने इस एक्सटेंशन पे से निकाले हुए हैं, इसको आपको ठीक से रखने हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन वापस डालते समय ये आपको वापस डालना पड़ेंगे। तो अब मैं गाड़ी रैंप के ऊपर निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी निकाला है। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।